हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच जे अकेडमी। पिछली क्लास में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया था, तो हमने पहले टॉपिक देखा था प्यूबर्टी के बारे में। ठीक है, प्यूबर्टी टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। आज हम चलते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखें। कहने का मतलब भाई, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्शन करते हैं उनके सिस्टम कैसे होते हैं। ठीक है, यदि मैं देखिए डायग्राम, देखिए हमारा मेल का है जो क्या हमारा, देखिए डायग्राम बड़ा अच्छा दिख रहा है, और ये देखिए फीमेल का भी क्या है डायग्राम दिख रहा है। तो कहने का मतलब है आज हम पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए देखते हैं आगे। यदि मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो ध्यान देखिए हमारा क्या सब पार्ट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यदि मैं पहले बोलूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यदि मैं बोलूं प्राइमरी सेक्स, यदि प्यूबर्टी से पहले, मैंने अभी पिछली क्लास में डाला है कि प्यूबर्टी से पहले हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के काम है प्रोड्यूस ऑफ स्पर्म एंड हार्मोन। यदि जब भाई बच्चा बॉय 13 से 14 साल का होने वाला रहता है, हो जाता है, तो उसके क्या टेस्टिस प्रोड्यूस होने लगते हैं, स्पर्म एंड स्पर्म बनने लगता है, और हार्मोन क्या होती है प्रोड्यूस होने, टेस्टोस्टेरोन क्या होने लगता है। तो कहने मतलब वो क्या होती है प्यूबर्टी स्टेज शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे क्या एक एडल्ट ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, उसके बॉडी फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं फंक्शन करने लगते हैं। यदि मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करूँ, एक्सेसरी डट एंड ग्लैंड, यदि डट एंड ग्लैंड, यदि मैं कहूँ प्यूबर्टी समय क्या स्टार्टिंग होती है, तो उसमें क्या आ जाती है सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आने लगते हैं। भाई प्राइमरी में क्या था टेस्टिस था, तो सेकेंडरी में क्या होता है डक्ट और ग्लैंड आने लगते हैं। तो यदि मैं बताऊं भाई डक्ट और ग्लैंड क्या है, देखिए ये देखिए हमारा टेस्टिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है प्राइमरी है, समझ में आया। यदि मैं सेकेंडरी, भाई इसमें जानते हैं हार्मोन्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होने लगते हैं, प्यूबर्टी स्टेज शुरू हो जाती है। जब होने लगती है तो क्या होता है हमारे पास ग्लैंड आने लगे, सिमिनल वेसल एंड पोस्टर ग्लैंड। ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आने लगता है। ठीक है, तब क्या होता है भाई रिप्रोडक्शन में जब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होगा तभी तो वो क्या करेगा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं, समझ में आया, आइए हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान देखिए यदि मैं डायग्राम की बात करूं तो हमारे टेस्टिस के अंदर क्या है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया ना टेस्टिस क्या करता है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसमें भी देखना है कि भाई स्पर्म कहाँ बनता है, किससे जगह बनता है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है भाई, वो डक्ट और ग्लैंड से कैसे पास करता है और पेनिस के द्वारा बाहर और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे जाता है। ठीक है, स्पर्म आइए हम लोग देखेंगे पहले आगे चल के। ये देखिए ध्यान, ये हमारा क्या है टेस्टिस। यदि मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूँ तो पहले हमारा क्या था टेस्टिस। टेस्टिस में बहुत ही मेन रोल है। ठीक है, यदि टेस्टिस ही ना है तो क्या होगा रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नया फ्यूचर का कोई जनरेशन होएगा ही नहीं। ठीक है, यदि मैं बोलूँ टेस्टिस, देखिए ध्यान दीजिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द प्लूविक रीजन। प्लूविक में बोलूँ तो भाई जो हमारा थाई होता है, थाई जो क्या होता है ये साइड वाला, ये रीजन क्या होता है, ये पैर से क्या होता है ये प्लूविक रीजन है। समझ में आया, ये देखिए प्लूविक बोन भी लिखा है। ठीक है, प्लूविक रीजन पर क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है नीचे पार्ट पे। ठीक है, एडल एंड टेस्टिस ओवल शेप। यदि मैं बोलूँ जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ये प्यूबर्टी स्टेज पूरा क्रॉस करता है, तो हमारा एक कैसा है तो ओवल शेप, मतलब गोल टाइप में। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट। आइए देखते हैं, द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउचेज कॉल्ड द स्क्रोटम। यदि मैं बोलूं जो हमारा टेस्टिस होता है एब्डोमिनल के आउटसाइड, मतलब आउटसाइड, देखिए ये भाई हमारा एब्डोमिन यहाँ होता है, ये आउटसाइड पे होता है टेस्टिस। लेकिन हमारा यदि मैं बोलूं कवर रहता है या सैक लाइक, यदि मैं बोलूं सैक, सैक मतलब ढाका हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। कोई डाउट, स्क्रोटम काम है बॉडी को मेंटेन बनाए, मतलब इसका कहने का मतलब स्क्रोटम क्या करता है टेस्टिस का टेम्परेचर क्या करता है मेंटेन करे रहता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं स्क्रोटम का काम क्या है। यदि मान लो द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ दिस टेस्टिस देन द नॉर्मल इनिशियल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। कहने का मतलब भाई जो स्क्रोटम है वो क्या करता है टेस्टिस का मेंटेन कर रहता है लोअर टेम्परेचर देन कितने बॉडी टेम्परेचर। यदि मैं बोलूं बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो कहने का मतलब वो क्या 35 होगा मेंटेन करे, मतलब कम करे बॉडी के टेम्परेचर में क्या होगा कम रहेगा। ठीक है, किसका स्क्रोटम का काम है, क्यों स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाने में ये बहुत ज़्यादा रोल करता है। ठीक है, यदि होगा टेम्परेचर क्या स्पर्म क्या हो जाएगा रिलीज कर जाएगा। ठीक है, और फिर क्या देगा बॉडी से बाहर भी आएगा। ठीक है, कोई डाउट। चलिए, यदि मैं बोलूं
भाई स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या, मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये देखिए द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आइए पर देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल या स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। भाई टेस्टिस के अंदर जानते हैं हमारा जर्म सेल होता है या स्पर्म बोले भाई, मेल क्या था, मेल जर्म सेल होता है ना स्पर्म, ठीक है, कोई डाउट। द टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैंने बोला था अभी कि टेस्टिस हमारे क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कोई डाउट नहीं। चलिए यदि मैं बोलूँ द स्पर्म आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस जर्म सेल का टेस्टिस, यदि मैं मियोसिस की बात करूँ, जब हमारे बॉडी के अंदर या बॉय के अंदर जब स्पर्म बनता है तो मियोसिस होती है, तो कहने का मतलब वो क्या करता है, ब्रेक करता है, ओके। मियोसिस मैंने मियोसिस के बारे में समझा दिया है, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो आप समझ जाएंगे। आइए अब यदि मैं कहूँ द प्रोसेस ऑफ, नहीं देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं कहूँ फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म क्या होता है, भैया स्पर्म का फॉर्मेशन ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, कोई डाउट नहीं ना। चलिए द बींग अ प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ह्यूमन मेल, यदि मैं बोलूं कि यदि ह्यूमन की बात करें, बॉय की बात है या मैन की बात करें, फीमेल की नहीं ओनली मैन, मेल की बात, तो कहने यदि प्यूबर्टी के समय से ही कंटिन्यू यदि स्पर्म बनना शुरू हो गया वो जीवन काल तक चलेगा मेल का, कहने का मतलब जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक क्या होगा, स्पर्म बनता रहेगा, ओके। तो ये नहीं कि 50 साल 60 साल तक हो फिर उसके बाद रुक गया, ऐसा नहीं है, ये लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि भैया स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म कैसे बनता है, कहाँ बनता है, आइए ये भी देखते हैं हम लोग। जी हम लोग देखते हैं भाई स्पर्म कहाँ बनता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, ठीक है। यदि मैं बोलूँ, ध्यान दीजिए हमारे डायग्राम ये टेस्टिस का है, ठीक है, यदि मैं टेस्टिस की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा ये डायग्राम आप एक बार ध्यान दे देंगे तो आपके हूबहू समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं बोलूँ ये हमारा टेस्टिस है, क्या ये टेस्टिस ओवल शेप, कैसा शेप है भैया, ओवल शेप, ठीक है। यदि मैं देखिए यहाँ ध्यान दिए पंचे जो बॉक्स की तरह बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं। यदि मैं ये जो बॉक्स की तरह बना हुआ है डिब्बे बाई डिब्बे का, ठीक है, पैकेट या पैकेट बोलो, ठीक है, तो यदि पैकेट क्या है वो हमारा क्या है, टेस्टिकुलर लोबूल या लोबूल्स बोल सकते हैं या लोबुलस बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। टेस्टिकुलर इसलिए बोले भाई टेस्टिस के अंदर क्या है, लोबूल्स है, इसी बोल क्या टेस्टिकुलर लोबूल्स बोलते हैं, कोई डाउट नहीं। यदि मैं टेस्टिकुलर लोबूल्स के अंदर क्या होता है हमारा, सिमनोफेरस ट्यूबुल्स होता है, सिमनोफेरस ट्यूबुल्स के अंदर हमारा क्या होता है, स्पर्म बनता है। तो यहाँ देखिए लोबूल्स के अंदर हमारा क्या है, सिमिनल वेसल, सिमनोफेरस ट्यूब होता है, ठीक है, इसी के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ टॉप पॉइंट लाइन पढ़ेंगे समझ में आएगा। देखिए ईच टेस्टी है अबाउट द 250 कंपार्टमेंट से टेस्टिकुलर लोब, टेस्टिकुलर लोब हमारे कितने होते हैं, ध्यान दीजिए कितने लगभग कंपार्टमेंट 250 अबव या कम भी हो सकते हैं। आगे देखिए द लोबुल कंटिन्यू 1 और 3 हाईली कोलाइड सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स इन फ्रॉम द स्पर्म प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, ठीक है, कहने मतलब लोबुल्स के अंदर होता है सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स, मैंने कहा ना भाई ढेर सारे लोबुल्स हैं या टेस्टिकुलर लोबुल्स बोले और उसके अंदर क्या सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, कोई डाउट नहीं ना। ये देखिए भाई इसके अंदर ही क्या है, सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, देखिए ध्यान से। अब इसकी बोलूँ सिमिनिफेरस ट्यूबुल कितने होते हैं, 1 या 3, मतलब कहने मतलब 1 से 3 हो सकते हैं, क्यों सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स, कोई डाउट, हाँ। अभी हम लोग देखिए सिमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइन बाय द इन साइड द टू टाइप, यदि मैं बोलूँ सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर दो चीज होते हैं, आइए क्या होता है देखिए, और द सेल मेल गैमेट एंड साइटोलिक सेल, भाई सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर हमारा क्या होता है, साइटोलिक सेल भी होता है और जर्म सेल भी होता है, मतलब कहने का मतलब है हमारे स्पर्म भी होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, स्पर्म भी होते हैं और साइटोलिक सेल। और यदि मैं इसकी बोलूं भाई देखिए ध्यान दीजिए, हमारे कहने मतलब सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर हमारे इनसाइड द टू टाइप्स के होते हैं, कहने मतलब मेल जर्म्स बनाए सेल बनाए, मतलब कहने ना स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, या साइटोलिक सेल, देखिए क्या बनता है, स्पर्म भी बनाता है साइटोलिक सेल भी होते हैं। साइटोलिक सेल क्या होते हैं,
भाई न्यूट्रिशन देते हैं किसको, स्पर्म को। भाई स्पर्म क्यों भाई, वो क्या होता है, मोर्टेलिटी होता है। कहने का मतलब ये स्पर्म, मान ली स्पर्म है ठीक है, इसका टेल है ठीक है भाई, इसको न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि भाई स्पर्म को चलना है बढ़ना है। वो क्या करता है, सर्टोलिक सेल काम करता है, न्यूट्रिशन देता है। देखे क्यों, द लेडी द सर्टोलिक सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल या स्पर्म बोले, कोई डाउट। कहने का मतलब जो सर्टोलिक सेल होता है वो क्या देता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। ओके आइए आगे देखते हैं। अब भाई मैं कहूँ कि लेडिंग सेल क्या है, लेडिंग सेल होता है भाई देखिए टेस्टिकुलर लोबुल या लोबुल्स के अंदर होता है, मतलब सेमिनोफिलस ट्यूबुल्स। तो ध्यान दीजिए ये क्या लेडिंग सेल भी होता है, इसका काम है हार्मोन्स को क्या करना, बनाना या रिलीज करना ठीक है। देखिए लेडिंग सेल सेंसिटाइज एंड सेक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल टेस्टोस्टेरोन, समझ में आया। देखिए आउटसाइड नहीं, आउटसाइड द सेमिनोफेरस ट्यूबुल, कहने का मतलब सेमिनोफेरस ट्यूबुल से बाहर। यदि मैं इसे बनाऊँ, ये देखिए डायग्राम देखिए एक बार देख लीजिए, ये हमारा लोबुल्स है, क्या है ये हमारा लोबुल्स, लोबुल इसके अंदर देखिए ध्यान दीजिए इसे कोलाइड है से बने हुए हैं। ये देखिए दो से तीन अधिक या चार भी हो सकते हैं, ये हमारा क्या है सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, समझ में आया क्या हमारा सेमिनोफेरस ट्यूबुल। यदि मैं बोलूं आउटसाइड, कहने का मतलब इसके बाहर हमारा क्या होता है, ये देखिए बूंदी बूंदी दिख रहे होंगे आपको, ये हमारा क्या है लेडिंग सेल। लेडिंग सेल क्या होता है, वो हार्मोन्स क्या करता है प्रोड्यूस करता है। ओके अब ध्यान दीजिए, समझ में आया, तो क्या करता है प्रोड्यूस करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, क्या हमारा है टेस्टोस्टेरोन, किसके बाहर होता है सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स के आउटसाइड, मतलब बाहर होता है ठीक है। द लेडिंग सेल कॉल विद द ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ बॉय एट द प्यूबर्टी, भाई प्यूबर्टी से पहले क्या होता है भैया हार्मोन्स निकलने लगता है, तो क्या हो गया लड़कों में क्या होगा चेंजिंग होने लगता है ठीक है। आइए एक बार मैं फिर आपको समझाता हूँ डायग्राम में, फिर एक बार देखेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि भाई एक बार ध्यान नहीं देंगे तो क्या भूल जाएंगे आप ठीक है। यदि मैं बोलूँ ये टेस्टिस है और टेस्टिस के हमारे जैसे चेंबर बने हुए हैं, क्या हमारे चेंबर ठीक है। देखिए ये टेस्टिस है ठीक है, ये टेस्टी और टेस्टिस में ढेर सारे चेंबर्स हैं जिसके हम लेबुल्स या टेस्टिकुलर लेबुल्स बोलते हैं। ओके उसी के अंदर हमारा क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, किसके अंदर लेबुल्स के अंदर। ओके यदि मैं बोलूं भाई क्या होते हैं सर्टोली सेल भी, सर्टोली सेल समझ गए होंगे भाई स्पर्म का क्या न्यूट्रिशन देता है, अब समझ में आया भाई लेबुल्स क्या होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या होते हैं। यदि मैं लेडिंग सेल की बात करूँ तो भाई ये बॉस के अंदर क्या होता है छोटे छोटे बुंडी होते हैं, इस पर मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर नहीं, मतलब कहने मतलब लेबुल्स के अंदर हैं लेकिन कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर। तो कहने की मान लूँ कि लेबुल्स के अंदर होंगे क्या है लेडिंग सेल और प्रोड्यूस करते हैं क्या होते हैं हमारा हार्मोन ठीक है भाई, कौन सा टेस्टिकुलर हार्मोन मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आइए हम लोग देखते हैं ये हम कहने के बजे भाई हमारा स्पर्म बन गया, ध्यान दीजिए क्या बन गया स्पर्म बन गया किसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या लोबुल्स के अंदर स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या स्पर्म बन गया ठीक है। अब क्या करेगा भाई स्पर्म रिलीज होगा किससे टेस्टिस से ठीक है। अब देखते हैं द स्पर्म फॉर्म एंड डिलीवर्ड थ्रू द वाट डिफरेंट विद द यूनिट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए भाई टेस्टिस से क्या होगा स्पर्म रिलीज होगा, होगा कि नहीं। अब वो कह रहा है वाट डिफरेंस में जाना है, कहाँ है वाट डिफरेंस, रोक लो। देखिए इसमें वाट डिफरेंस नहीं लगा, सॉरी मिस्टेक हो गई। देखिए वाट डिफरेंस हमारा ये है, ये जो नली जा रही है टेस्टिस से, ये क्या वाट डिफरेंस है क्यों भाई इस पर बना है लोबुल्स के अंदर, लोबुल्स क्या है उसके अंदर भी कोई चीज़ है सेमिनोफेरस ट्यूबुल, उसी के अंदर क्या बनता है स्पर्म बनता है। देखिए हमारा स्पर्म का डायग्राम देखिए बड़ा प्यारा सा है ठीक है, और वो क्या है यह वाट डिफरेंस इसको भी बोलते हैं एक ही बात है भाई, ये भी तो नली है वाट डिफरेंस है कोई डाउट नहीं ना। चलिए मैं कहूँ कि भाई टेस्टिस से क्या करता है स्पर्म पास करता है और कहाँ जाता है यूरिनरी ब्लैडर से, देखिए यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है पीछे ये है और सेमिनिफेरस सेमिनल वेसल्स के पीछे क्या है यूरिनरी ब्लैडर। तो कहने का मतलब है स्पर्म क्या करता है डिलीवर्ड होता है पास करता है ठीक है, फिर कहाँ जाता है ध्यान दीजिए द यूथ्रस थ्रू द फॉर्म ऑफ द कॉमन पासेज स्पर्म एंड यूरिन, भाई ये यूथ्रस है क्या हमारा यूथ्रस, तो यूथ्रस से हमारा क्या यूरिन भी रिलीज करते हैं स्पर्म भी रिलीज होता है। तो कहने का मतलब कॉमन पास है क्या स्पर्म का है यूरिन का। ओके
यदि मैं स्पर्म और यूरिन की बात करूं तो हमारा जो स्पर्म होता है वो एसिडिक होता है कि बेस होता है, ये बताइए। तो मैं बोलूं यूरिन हमारा एसिडिक होता है और ये स्पर्म हमारा बेस होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई आगे चले हम लोग समझते हैं। देखिए हो गया, अब देखिए पार्ट ऑफ द व्हाट डिफरेंट ग्लैंड लाइक द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल एट देयर सेक्रेशन सो द स्पर्म कॉल नाउ द फ्लूइड विद द मेक देयर ट्रांसपोर्ट इधर फ्लूइड टू आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो कहने का भाई भाई ये टेस्टिस व्हाट डिफरेंस रिलीज हुआ सेमिनल वेसल से क्या पास करते हुए क्या प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कुछ पल के रोकता है, ठीक है, किसको स्पर्म को डिलीवर करने में, वो क्या करता है इजिली फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म क्या करता है भेजता कहाँ यूथ्रस से, ओके भाई यूथ्रस से क्या करेगा भाई पेनिस के द्वारा क्या होगा स्पर्म बाहर है, कहने मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होगा स्पर्म बाहर जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। आइए देखते हैं द स्पर्म आर द टीनी बॉडी, भाई हमारा स्पर्म जो है टीनी बॉडी है, द कंसिस्ट ऑफ द नेमली जेनेटिक मटेरियल, भाई हमारे जो स्पर्म के अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, एंड द लॉन्ग टेल एंड हेल्प फ्रॉम द मूव द टूवर्ड द मेल जर्म से, भाई देखिए स्पर्म है और स्पर्म क्या होता है टीनी लाई और इसका क्या होता है टेल होता है, ठीक है, मूवमेंट करते हुए क्या जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आया आप, ये हमारा आज लेक्चर क्या होगा मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, ओके बस।